नमस्कार विद्यार्थियों। तो अभी इसी टॉपिक जो था मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें है अशोक व कलिंग युद्ध। तो अब पढ़ रहे हैं अशोक व कलिंग युद्ध के बारे में। इसमें देखिए, जैसा कि अशोक ने लिखा है कि उसने शासन के 8वें वर्ष के बाद, यानी कि 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की है। कहां पर? कलिंग पर। और इस कलिंग युद्ध में अशोक ने खुद ही लिखा है, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए और 1.5 लाख लोग ही क्या हो गए दोस्तों, बेघर। अब अशोक ने यह बात लिखी है कि 1 लाख मारे गए। अब जाहिर सी बात है, 1 लाख मारे गए यानी उनको जीरो चुनने का ज्ञान पहले से था। जैसा कि बोलते हैं ना कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्यभट्ट गुप्त काल का है। अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखा है कि 1 लाख मारे गए, यानी इनको जीरो या शून्य का ज्ञान पहले से था। लेकिन अशोक ने अपने अभिलेख में ये नहीं लिखा कि इस समय यहां का शासक कौन था। पहली चीज ये मेंशन नहीं किया कि शासक कौन था। खारवेल शासक हुए एक, इनका एक अभिलेख है हाथी गुंफा, उड़ीसा में ये हाथी गुंफा अभिलेख। इसमें एक लिखा हुआ है कि उस समय कलिंग पर कोई नंदराज नामक व्यक्ति शासक था। बाकी किसी भी बात से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि उस समय कलिंग में शासक था कौन। अब अशोक ने विजय प्राप्त करने के बाद दो केंद्र स्थापित किए, तोसाली उत्तरी केंद्र और जौगढ़ दक्षिण केंद्र। वापस देखो, तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया कलिंग पर। अब आक्रमण किया भी क्यों? पहली बात, कभी भी आए तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा साम्राज्यवादी नीति। प्लीनी ने लिखा है कि व्यापारिक कारणों से आक्रमण किया गया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि कलिंग जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। और उस समय जो युद्ध होते थे उनमें हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब ये भी लिखा है कि 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख घायल हो गए, इतने ही बेघर हो गए, यानी कि इनको सुनने का भी ज्ञान था। अब उस समय शासक था कौन? अशोक ने तो उल्लेख किया नहीं। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में जरूर मिलता है कि नंदराज नामक शासक था। उत्तरी केंद्र बनाया तोसाली को, दक्षिणी केंद्र बनाया जोगढ़ को। अब इसके बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा लिखा गया है कि कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद अशोक का क्या हो गया दोस्तों? हृदय परिवर्तन। ये लिखा हुआ है कि कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन। अब ये एक प्रकार से एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा विषय है जिसपे हम चाहे जितना डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमको पीएचडी नहीं करनी इस विषय के अंदर। इस मैटर में हमको केवल कंटेंट समझना है कि क्या वास्तव में उसका हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, हाँ भी मान सकते हैं, ना भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये माने कि हृदय परिवर्तन हुआ तो जैसा कि मैंने आपको अभिलेखों में बताया, ना तो उसने युद्ध बंदियों को रिहा किया, ना ही उसने अपने साम्राज्य में मृत्यु दंड को बंद किया। यहां तक कि आत्विक जातियों को चेतावनी भी दी है कि या तो अपने विद्रोह को समाप्त करो अन्यथा तुम्हारा दमन कर दिया जाएगा। यानी उसने अपनी सेना को भी भंग नहीं किया, क्योंकि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उस टाइम की थी जिस समय वो सेना का निरीक्षण कर रहा था। यानी अशोक ने अपनी सेना को डिसॉल्व नहीं किया, भंग नहीं किया, तो फिर हृदय परिवर्तन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि तो अशोक ने इसके बाद ही कई ऐसे कार्य किए जो कि उसको विश्व का सबसे महान शासक बनाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे अशोक और बौद्ध धर्म। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा सब टॉपिक होगा
जिसके बारे में आज पढ़ेंगे वो है अशोक और बौद्ध धर्म। आइए दोस्तों, अशोक व बौद्ध धर्म, इसमें देखिए। अब श्रीलंका के ग्रंथ हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिंहली ग्रंथ। श्रीलंका का प्राचीन नाम जो था सिंहल द्वीप था, तो सिंहली ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। इनमें तो यह लिखा गया है कि अशोक को शासन के चौथवे वर्ष सुसीम का 7 वर्षीय पुत्र था निग्रोध, इसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वापस समझना, श्रीलंका एक ग्रंथ है दीपवंश महावंश, इनमें लिखा हुआ है कि अशोक के शासन के चौथे वर्ष सुसीम का 7 साल का बेटा था निग्रोध, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध ग्रंथ है दिव्य वदान, इसमें यह लिखा हुआ है कि बाल पंडित यानी कि उपगुप्त, इसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद अशोक जो था ये आ गया किसके प्रभाव में, मोगाली पुत्र तिस के प्रभाव में। तो दिव्य वदान के अनुसार तो बाल पंडित या उपगुप्त ने दीक्षित किया, जिसके बाद अशोक मोगाली पुत्र तिस के प्रभाव में आ गया। अब एक चीज और देखिए दोस्तों, सिंहली ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। सिंहली ग्रंथों में लिखा है, ठीक है, तिब्बती परंपरा इस बात को नहीं मानती, तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है वो इस बात को नहीं मानता कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और उससे भी बड़ी बात, अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख में बौद्ध संगति के आयोजन कराने का कोई भी उल्लेख नहीं किया। अब सोचो, उसने छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया है अपने अभिलेखों में, लेकिन उसने तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना, अशोक के अभिलेखों में तृतीय बौद्ध संगति या इस प्रकार की किसी भी चीज का कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन यह लिखा हुआ है सिंहली ग्रंथों में कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराने के बाद अशोक ने कई बौद्ध प्रचारकों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। यह लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथों में भी कि अशोक ने विभिन्न बौद्ध प्रचारक थे जिनको साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। अब वो प्रचारक थे कौन कौन से दोस्तों, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बौद्ध प्रचारक थे रक्षित, धर्म रक्षित, महारक्षित, महाधर्म रक्षित, मच्छिम, मझिंतिक, महादेव, सोन व उत्तर। तो ये कुछ बौद्ध प्रचारक थे जिनको साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया। जैसे रक्षित था, इसे भेजा गया बनवासी, केरल साइड का जो एरिया है। धर्म रक्षित को अपरांत, महारक्षित को यवन देश, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, मझिम को हिमालय, मझिंतिक को कश्मीर,
वह गंधार महादेव, इसको महिष मंडल, सोन वह उत्तर, सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि से हमारा मतलब है जो कंबोडिया है, थाईलैंड है, बर्मा, ये सब, मलेशिया, ये सब यहां भेजा गया। तो ये बौद्ध प्रचारक थे जिनको इन इन स्थानों में भेजा गया। अब एक चीज और, ये मैंने आपको बताया था, अशोक की पहली पत्नी थी देवी या महादेवी, जिसका बेटा तो था महेंद्र पुत्र और पुत्री थी संघमित्रा। अब महेंद्र को भेजा गया कहां पर? श्रीलंका। सुनना इस चीज को, आप कुछ नया मिलेगा आपको। महेंद्र को भेजा गया श्रीलंका, और महेंद्र ने श्रीलंका जाकर वहां के शासक तिश्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। ठीक है, अब तिश्य की पुत्री थी अनुला, ये भी बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहती थी, लेकिन उस समय बौद्ध संघ के ऐसे नियम थे कि महिला भिक्षुणी को महिला भिक्षुणी ही दीक्षित कर सकती है। समझना, ऐसा नहीं है कि महेंद्र संघमित्रा को दोनों को एक साथ भेजा हो, नहीं, महेंद्र को भेजा। महेंद्र ने श्रीलंका के शासक तिश्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तिश्य की बेटी थी अनुला, ये भी बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहती थी, लेकिन बौद्ध संघ का नियम था कि महिला को केवल महिला भिक्षुणी ही दीक्षित कर सकती है। इस कारण से फिर भेजा गया श्रीलंका किसको? संघमित्रा को, जो कि अशोक की बेटी थी। और संघमित्रा ने फिर अनुला को बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया। अब देखिए नेक्स्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अशोक जो था, इसका जो धर्म था ये क्या बौद्ध धर्म था? क्या अशोक का धर्म या अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था? आंसर होगा नहीं। अशोक का जो धर्म है ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म नहीं है। कैसे नहीं है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख में न तो चार आर्य सत्य जो कि बौद्ध धर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, ये चार आर्य सत्य हो गए, तो इनका कोई उल्लेख नहीं किया, ना ही अष्टांगिक मार्ग इनका कोई उल्लेख है, ना ही आत्मा और परमात्मा की कोई व्याख्या की गई है। यानी बौद्ध धर्म के जो मेन कंटेंट है उनके बारे में अशोक ने अपने अभिलेखों में कोई भी डिस्कस नहीं किया। तो फिर था क्या अशोक का धर्म? अशोक कल्पना कर रहा है किसकी? स्वर्ग की। अब आप देखो अशोक के अभिलेख जो एरेमाइक लिपि में है उसमें अशोक ने अपने धम को क्या लिखा है? दात। एरेमाइक लिपि में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में अशोक ने अपने धम के लिए वर्ड यूज किया है दात। अब दात का अर्थ क्या है? दात का अर्थ होता है प्रथा या कानून। तो आप देख सकते हो एरेमाइक लिपि के अंदर अशोक का धम्म चेंज हो गया, उसने उस धम्म को प्रथा या कानून बताया है। ग्रीक लिपि में मिलते हैं जो अशोक के विलेख, इसमें अशोक ने धम्म के लिए जिस वर्ड का यूज किया है वो वर्ड है यूसेबिया। यानी एरेमाइक लिपि में तो अशोक ने अपने धम्म को दात कहा है, यानी प्रथा या कानून कहा है। ग्रीक लिपि में अशोक ने अपने धम्म को कहा है यूसेबिया। यूसेबिया का अर्थ होता है न्याय व समता। तो
देखो यहां पे धम्म का स्वरूप ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो अशोक का अभिलेख बौद्ध ग्रंथ जो है दीघ निकाय, इसके राहुल वाद को सुत से लिया गया है। बौद्ध धर्म नहीं अशोक का धर्म। अशोक चाहता था कि प्रजा का कल्याण हो, प्रजा सुखी रहे, उसके लिए उसने जो भी नैतिक संहिता अपनाई, जो भी उसने अपने राज आज्ञाएं जारी की, उसी को उसने धम्म कहा है कि प्रजा का नैतिक कल्याण हो, उसी को अशोक ने धम्म माना है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करूंगा कि अशोक को इस धम्म की आवश्यकता क्या थी। यूं तो कोई है नहीं जो धम्म चला देगा, ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई नया धर्म चलाया हो, अशोक ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब अशोक को इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, कोई तो कारण रहा होगा। वर्बली बता रहा हूं एक मिनट में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में पूरा का पूरा आधुनिक अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सब कुछ था। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ही ली। अब अगर भारत के नक्शे की बात करें, ऐसे रफली बना, हिमालय रेंज आ गई, हिमालय पर्वतमाला, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहां हिंद महासागर। अब अशोक के पास जीतने के लिए बचा क्या, कुछ भी नहीं। कुछ बचा क्या, दो तरफ तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ऊपर हिमालय की रेंज, यहां पे बात करें हिंदू कुश, किरथर, ये सब पर्वतमालाएं। तो अशोक के पास जीतने के लिए बचा क्या, इतना बड़ा साम्राज्य था। अब इतना बड़ा साम्राज्य हो जिसके पास, तो उस साम्राज्य को दो ही तरीकों से चला सकता है, या तो बहुत बड़ी सेना रखे, जैसा कि उसके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से बड़ा साम्राज्यवादी था। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, लेकिन वो भी इतने बड़े साम्राज्य को सेना के बल पर सुरक्षित नहीं रख सका, क्योंकि बिंदुसार के समय विद्रोह हुए हैं। तो अशोक ने आइडिया लगाया कि मैं इतनी बड़ी सेना के दम पर तो इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रख नहीं सकता, तो करूं क्या। उसने सहारा लिया धम्म का, ठीक है। उसने पूरी के पूरी जनता को एक मानसिक एकता के अंदर बांध दिया। मानसिक एकता से मेरा मतलब है, जैसे वर्तमान की बात करें तो राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म, आधुनिक काल में कांग्रेस की देन मानते हैं, वैसे ही एक राष्ट्रीयता की भावना को भर दिया अशोक ने लोगों के मस्तिष्क में, मन में। इसलिए अशोक के समय तक उसका साम्राज्य सुरक्षित रहा, ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। आप ऐसे समझ लीजिए, अभी जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आप देखते, न्यूज देखते होंगे स्टूडेंट्स, कोई बिहार के अंदर जा रहा है, बिहार जा रहा है सड़कों पे मजदूर, तो उनको देख के हमारा मन भी द्रवित होता है। क्यों होता है, हम उनको जानते भी नहीं है ना, कभी हमें ये आशा कि हम कभी उनसे मिलेंगे, पर हमें दुख होता है। दुख क्यों होता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे राष्ट्र का निवासी है, हमारा अपना है, तभी तो होता है ना, वरना किस लिए होगा। तो ये की ये जो भावना थी, ये की ये संचारित की अशोक ने, वो भी उस समय, ठीक है। तो इसलिए वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख पाया था। अब अशोक के धर्म को विभिन्न लेखकों के द्वारा विभिन्न नाम दे दिए गए हैं। उसके अशोक का जो धर्म था, उसे लेखकों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार से बताया है। जैसे फ्लीट, इन्होंने कहा अशोक का जो धर्म था वो राज धर्म था, यानी पूरे साम्राज्य पे लागू था। हेरास, इसने कहा है ब्राह्मण धर्म। डी आर भंडारकर, इन्होंने कहा है उपासक, बौद्ध धर्म। विंसेंट आर्थर स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने कहा है सभी धर्मों की साझा संपत्ति थी, यानी जिस धर्म में जो भी बात अच्छी थी उसको अपना लिया किसने, अशोक ने।
रोमिला था अपन, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन्होंने कहा अशोक का, स्वयं का क्या था, आविष्कार। तो अशोक के धर्म को अलग अलग नाम दे दिया है लेखकों के द्वारा। फ्लिट ने कह दिया राजधर्म था, हैवास ने कहा है ब्राह्मण धर्म था, सेनाट और भंडारकर उपासक बौद्ध धर्म, स्मिथ, राधा कुबुद मुखर्जी सभी धर्मों की साझा संपत्ति, रोमिला थापर अशोक का स्वयं का आविष्कार। तो ये अशोक का धर्म था, धम्म, जिससे उसने अपने प्रजा साम्राज्य को संचालित किया है। कभी भी क्वेश्चन आए कि मौर्य काल में सर्वाधिक प्रचलित धर्म था, तो उसका आंसर कभी भी बौद्ध धर्म नहीं होता। मौर्य काल में सबसे अधिक प्रचलित जो धर्म था वो कौन सा था, वैदिक धर्म। ठीक है दोस्तों, ये हमने आज पढ़ा। कल हम अशोक और उसके बाद के उसके उत्तराधिकारी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।